हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द एस राइटिंग सेशन ऑफ ओनली आई ए एस तो इससे पहले जो हमने आंसर राइटिंग सेशन लिया था जी एस के टॉपिक्स के लिए उसको बहुत लोगों ने लाइक like किया और बहुत लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया कि वी शुड ऑल्सो कम विद एन एस राइटिंग सेशन सो जो एजेंडा है इस पूरे के पूरे सेशन का दैट विल बी हाउ बिगनर्स स्पेसिफिकली बिगनर्स को टारगेट करेंगे शुड अप्रोच एंड राइट देयर फर्स्ट एस ठीक है कैसे वो अपना फर्स्ट एस चूज कर सकते हैं और कैसे वो अपना फर्स्ट एस के अंदर पूरा का पूरा एक पैटर्न बना सकते हैं दैकि वो लिख सकें सो so, ये जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं इनका एक ही इंटेंशन है द इंटेंशन इज द इंटेंशन इज टू मेक यू गो इन द राइट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन ठीक है बट अगर आप बात करो कि आंसर राइटिंग हो गया या एस राइटिंग हो गया इन सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन क्या है वो सॉल्यूशन आपके खुद के पास है दैट इज़ प्रैक्टिस ठीक है आप प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं आपके स्ट्रेंथ क्या है एंड अकॉर्डिंगली आप ऐसे मेहनत कर सकते हो सो लेट बिगिन तो आगे बढ़ने से पहले ओनली आई एस इज़

एंड ऑन द वीक फाइव मेन्स क्वेश्चन विल भी गिवन ऑन द वीक दैट इज एवरी सैटरडे अब फोर वीक्स के बाद ऑन द मंथ एंड वॉट विल हैपन इज कि देर विल बी अ ट्वेंटी क्वेश्चन मेन्स टेस्ट ठीक है जो आप लोग लिखोगे और उसको एवेल्युएशन के लिए आप अपलोड करोगे ऑन द प्लेटफॉर्म विच वी विल बी प्रोवाइडिंग टू यू तो आपका एक डैश बोर्ड बन जाएगा आफ्टर टेकिंग योर एडमिशन एंड उस डैश बोर्ड पर आप इसको अपलोड करोगे और दीज पेपर्स विल भी एवेल्यूएटेड बाई अवर टीम एक्सपर्ट्स एंड बहुत अच्छे इवेलुएशन करके वी विल भी प्रोवाइडिंग टू यू तो ये तो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मीन्स नॉ इफ यू कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू मेन्स अब मान लो कुछ आपसे बच्चे हो सकते हैं जिनको क्या है कि देर इज एन इशू इन आंसर राइटिंग देर इज इशू इन मेन्स प्रिपेरेशन इट्स सेल्फ ठीक है सो दिस इज ऑल्सो टिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो इट्स अ वीडियो लैक्चर सीरीज इन विच वीडियोज विल प्रोवाइडेड फॉर मेन्स प्रिपरेशन ठीक है देर आर एट फुल एंड थेस्ट दे आंसर राइटिंग क्लासेज इन विच आंसर राइटिंग क्लासेस फॉर एवरी सब्जेक्ट विल भी गिवन टू यू फॉर स्ट्रेटेजी एज वेल एज हाउ टू राइट आंसर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दे विल एस ए आंसर राइटिंग क्लासेस एंड दे विल डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल विच विल भी प्रोवाइडेड टू यू तो अगर आपको कॉम्प्रीहसि सोल्यूशन टू मेन्स प्रोग्राम ज्वाइन करना है दैन यू कैन गो एंड ज्वाइन ऑन वीडियो डॉट ओनली आई एस डॉट इंड इफ यू वॉन्ट टू जॉइन दिस आई डी एम पी ठीक है विच ई फेमसली से यू कैन गो डी पी पी डॉट ओनली आई एस डॉट इन तो यहाँ जाके यू कैन टेक द एडमिशन सो थैंक यू अब आगे बढ़ते हैं अब आगे देखें हम तो वाई एस इज़ इम्पॉर्टेंट एस की इम्पोर्टेंस क्यों हैं यू एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तो अगर हम देखते हैं कि जो पास टॉपर्स रहे हैं द पीपल हु हैव गॉट गुड रैंक्स एंड द डिज़ायर्ड सर्विस ठीक है जो भी पास टॉपर्स रहे हैं अगर उनकी मार्कशीट्स देखें तो एक जर्नल ट्रेंड दिखता है कि आइदर देयर मार्क्स वर गुड इन ऑप्शनल्स ठीक है या फिर दे वर हैविंग गुड मार्क्स इन एस और अगर जी सब्जेक्ट में भी दे हैव गुड मार्क्स इन जी एस दे हैव गुड मार्क्स इन जी एस थ्री देव गुड मार्क्स इन जी एस एंड दे हैव गुड और रिलेटिवली बेटर मार्क्स देन जी एस तो ये पैटर्न दिखता है कि सबसे हाइस्ट मार्क्स कहाँ पर स्कोर कर रहे हैं वो ऑप्शनल में फिर एस के अंदर फिर जी एस के अंदर फिर थ्री टू वन एंड टू के अंदर ठीक है सो so, एक प्रायोरिटी क्या हो सकती है हमारी कि ऐसे जाना ठीक है दिस कैन बी वन प्रायोरिटी टू गो लाइक दिस ठीक है और एक प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि कुछ ऑप्शन जिसके अंदर क्या है कि अच्छा स्कोर नहीं आता है उसके अंदर क्या है कि एस टेक्स द लीड तो एस क्या है कि प्रायोरिटी वन पे आ जाता है और फिर अदर जी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो टॉपर्स के मार्क्स देख के ये दो जो ट्रेंड्स हैं ठीक है दीज आर टू ट्रेंड्स विच आर वेरी वेरी क्लियर कि हमको एस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा समझनी चाहिए अब अगर हम नेक्स्ट पे बाएँ तो पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि एस पेपर के अंदर क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं अब ऐसे पेपर की बात करें सो एस ए पेपर इज़ हैविंग टू सेक्शंस जो भी एस पेपर आता है उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं और ईच सेक्शन इज हैविंग फोर डिफरेंट टॉपिक्स ऑन विच यू राइट नीड टू राइट टू एस ठीक है तो आप एक सेक्शन वन के अंदर से एस का टॉपिक चूज करते हो और उस पर लिखते हो और एक आप सेक्शन बी के जो चार टॉपिक्स हैं उसके अंदर से एक टॉपिक को चूज करते हो और उस पर एस लिखते हो अब बात करें वर्ड लिमिट की तो फॉर ईच एस ठीक है फॉर ईच एस ए यू विल बी गेटिंग अ वर्ड लिमिट ऑफ थाउजेंड टू इलेवन हंड्रेड वर्ड्स ठीक है तो ये यहाँ पर इलेवन हंड्रेड हैं ठीक है इलेवन हंड्रेड वर्ड्स तो रफली अगर हम बात करें इसकी तो दीज आर अराउंड इलेवन टू ट्वेल्व पेजेस फॉर वन एस ए ठीक है फॉर वन एस ए यू विल गेटिंग इलेवन टू ट्वेल्व पेजेस ना फिर टॉक अबाउट द मार्क्स द मार्क्स विल बी बी नो एज लाइक ऑल पेपर्स ऑफ जी एस टू फिफ्टी मार्क्स का होगा और हर एस ए को वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स के मैक्सिमम मार्क्स पे इवैलुएट किया जाएगा ठीक है अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गिवन बाई यू पी एस सी फॉर एस ए इज़ दैट की एस्पिरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप देयर थाट्स क्लोजली टू द सब्जेक्ट ठीक है जो सब्जेक्ट है या जो भी आपने टॉपिक को फाइनलाइज़ किया है उसके बहुत क्लोजली आपके थॉट्स को आप अलाइन करो अरेंज करो ठीक है दैट इज इट इज सेंग वॉट कि आप अपने टॉपिक का जो फोकस है टॉपिक का जो फोकस है ठीक है उससे ड्रिफ्ट नहीं होना है आपको टॉपिक के फोकस से आपको उसी के अराउंड ही आपके थॉट्स को अरेंज करना है टॉपिक से ड्रिफ्ट नहीं होना है आपको इतना दूर नहीं जाना है टॉपिक से कि टॉपिक वहाँ पर जाके आपका इरेलीवेंट बन जाए पहली चीज़ ये दूसरा क्या कह रहे हैं ये इट शुड बी हैविंग इफेक्टिव एंड कोहरेंट एक्सप्रेशन मतलब उस ऐसे के अंदर एक अच्छा सा लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ठीक है लॉजिकल फ्लो होना चाहिए ताकि क्या है कि जो रीडर है जो एग्ज़ामिनर है उसको आपका जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो उस एस के थ्रू उस टॉपिक के थ्रू वो लॉजिकली क्या है कि एग्जामिनर को समझ में आए इन अ वेरी फ्लॉलेस एंड फ्लो मैनर ठीक है अगर हम बात करें टाइम लिमिट की सो टाइम लिमिट की अगर बात करें एस के लिए तो अगेन लाइक ऑल पेपर्स थ्री आवर्स हमें मिलेंगे थ्री आवर्स का मतलब वन एट्टी मिनट्स हो गया तो हर एस के अंदर वी कैन डिवोट अराउंड नाइन्टी मिनट्स ठीक है अब नाइन्टी मिनट्स का फर्दर ब्रेकअप हम देखें तो रफली नाइंटी मिनट्स के अंदर अ कैंडिडेट जो भी एस्पिरेंट हो या स्टूडेंट है अ कैंडिडेट कैन यूज फोर्टी फाइव टू वन आवर फॉर राइटिंग ठीक है अकॉर्ड can मतलब फोर्टी फाइव मिनट से लेकर एक घंटे तक एस्पिरेंट हैज़ टू राइट द वन एस ठीक है इतनी देर में दैट डिज़ायर्ड वर्ड लिमिट एंड दैट डिज़ायर्ड जो स्पेस मिल रही है हमें पेजेस के थ्रू वो पूरी हो सकती है तो फोर्टी फाइव से वन आवर तो हमारा किस में चले गया इन राइटिंग द एस ए दैट इज़ सिक्सटी मिनट्स ठीक है तो नाइन्टी में से सिक्सटी आर गॉन अगर हम उसमें बात करें टेन मिनट्स की ठीक है टेन मिनट्स यू कैन राइट द एस एंड आफ्टर दैट यू कैन रिवाइज़ कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी है कोई थॉट तो आपका गलत नहीं हो गया है इन रिविजन यू कैन ऑल्सो हाईलाइट ठीक है आप बॉक्स कर सकते हो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो इम्पॉर्टेंट थाट्स को बट अब इसके सब कुछ करने के बाद आपके पास रफली कितने टाइम मिलता है थर्टी मिनट्स एक एस को अब थर्टी मिनट्स का जो टाइम है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ठीक है जो 30 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और जो आपको सबसे शुरू में यूटिलाइज करने होते हैं दीज थर्टी मिनट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू प्रिंट फॉर स्ट्रक्चरिंग फ़ॉर फ्रेम वर्किंग फॉर फ्रेम वर्किंग ऑफ योर एस से ठीक है तो हमें क्या करना है जैसे ही हमें हमारा पेपर मिलता है और जैसे ही हम हमारे टॉपिक को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो नाइन्टी मिनट्स के अंदर से वी नीड टू डिवोट अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मिनट्स फॉर दिस परपज़ ठीक है देन अराउंड फिफ्टी टू वन आवर वी कैन डिवोट फॉर राइटिंग आवर एस से एंड द लास्ट टेन मिनट्स अगर हमें बचता है तो वी कैन रिवाइज वी कैन हाईलाइट एंड वी कैन सी कि हमने कोई एरर तो नहीं किया है हमारे ऐसे के अंदर अगर हम बात करें तो आज का पूरा इलस्ट्रेशन जो होगा सेशन का उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम अभी करेंट में चल रही है उसको ले कर डिस्कस करेंगे वो थीम है कोविड नाइन्टीन ठीक है तो पहला जो टॉपिक लिया है मैंने कि कोविड नाइन्टीन इज़ ऑफुल क्लाइमेट चेंज कुड बी वर्स ठीक है सो रिसेंटली बिल गेट्स ने क्या है कि ये एक आर्टिकल में बोला था ठीक है तो ये भी एक टॉपिक आ सकता है बनके क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि कोविड नाइन्टीन तो बहुत खराब था ही बट क्लाइमेट चेंज उससे भी बेकार होगा ठीक है एक और जो टॉपिक है सिमिलर किसी पर भी हम लिख सकते हैं कि द नेक्स्ट पेंडेमिक इज़ क्लाइमेट चेंज ठीक है सो बोथ दीज टॉपिक्स को हम अगर देखते हैं इससे इलस्ट्रेशन करते हुए देखते हैं किस तरीके से ऐसे के अंदर हम ऐसे जो टॉपिक्स आते हैं कोई भी और टॉपिक होगा उस पर हम ऐसे की एक स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं तो आज एक जर्नल ओवरव्यू करेंगे वी विल बी हैविंग अ जर्नल ओवरव्यू कि अगर मान लो कोई ऐसा टॉपिक आता है कोई और भी टॉपिक आता है बीट ऑन वुमेन पे आ गया एजुकेशन पे आ गया जस्टिस पे आ गया जुडिश्री पे आ गया टेक्नोलॉजी पे आ गया तो कैसे हम आंसर्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं अब बात करें इंट्रोडक्शन की तो फॉर इंट्रोडक्शन ठीक है फेमस चीज़ है यू कैन यूज़ कोर्ट्स ठीक है हर टॉपर बोलते हैं कि कोर्ट्स यूज़ कर सकते हो यू सो यू कैन मेक अ बैंक ऑफ कोर्ट्स ठीक है आप अपने पास एक बुकलेट बना लो एक बैंक बना लो जहाँ पर आपके पास क्या है बहुत सारे कोर्ट्स लिखे हुए हैं इन डिफरेंट फील्ड्स ठीक है पॉलिटिकल लेवल पे सोशल लेवल पे एनवायरमेंटल लेवल पे और कई तरीके से इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारे कोर्ट्स आपके पास पड़े पढ़े और एंड यू कैन सी द टॉपिक क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये कोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूटेड है ये यहाँ पर चल सकता है तो वहाँ पर वो कोर्ट्स से आप स्टार्ट कर सकते हो देन यू कैन स्टार्ट विद इंडाइसिज एंड रिपोर्ट्स ठीक है तो अभी रिसेंटली क्या है द डिज़ास्टर वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट थी अभी न्यूज़ में थी वर्ल्ड डिज़ास्टर रिपोर्ट देन आई की रिपोर्ट पब्लिश होती है इंटर पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है तो आप क्या है किसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर वी हैव द टॉपिक अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया तो वी यू कैन स्टार्ट विद आई की बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं विच टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज ठीक है और आई रिपोर्ट की रिपोर्ट्स देख के तो कौन सा हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ठीक है तो आई की रिपोर्ट क्या है कि आप से आप स्टार्ट कर सकते हो कि आई ने किस तरीके से बताया है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो वन डिग्री बढ़ेगा तो क्या क्या इंप्लीकेशन होंगी और अगर टू डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या क्या इंप्लीकेशन होंगी तो आप जो हमने इस टॉपिक जो लिया है कि क्लाइमेट चेंज कैन बी द नेक्स्ट पेंडेमिक तो उसके अंदर क्या है कि आप सी को यूज कर सकते हो आप यू को यूज कर सकते हो आप कॉन्ट्राडिक्शन या क्वेश्चन शो कर सकते हो कि इज क्लाइमेट चेंज ओनली ह्यूमन मेड ठीक है आप ऐसे क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आफ्टर राइटिंग सम कोड्स एंड इन रिपोर्ट्स ठीक है तो आप उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन डाल सकते हो इज क्लाइमेट चेंज ओनली ह्यूमन मेड ठीक है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप रेलिवेंट फैक्ट्स डेटा स्टेटिस्टिक्स कर सकते हो कि किस तरीके से जो लेवल है ग्रीन हाउस गैसेस का इज़ इंक्रीजिंग ऑन अ वेरी लार्ज स्केल तो बहुत सारे डेटाज आते हैं यू के आ गए वर्ल्ड बैंक के डेटाज आ गए तो बहुत सारे डेटाज़ हैं विच इज़ शोइंग द थिंग फिर आप जो लास्ट है वो एनेक्डोड से भी स्टार्ट कर सकते हो सो डिफरेंट थिंग्स हैं आपको सारे एक साथ यूज़ करना ऐसा नहीं है बट यू कैन यूज़ डिफरेंट यू कैन यूज़ इन कॉम्बिनेशन एंड यू कैन यूज एनेकडोड एज वेल अब एनेक्डोड क्या हो सकते हैं पर्सनल भी होते हैं और एनेकडोड क्या हो सकते हैं दे कैन बी पर्सनल एज वेल पर्सनल का मतलब आपने खुद का कोई एनेक्डोड बना दिया जिससे कि क्या है कि आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो कि आज से ट्वेंटी फिफ्टी के अंदर ठीक है ट्वेंटी फिफ्टी के अंदर की जो वर्ल्ड है उसमें क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होगा आपने ऐसा कुछ इमेजिन करके और एक स्टोरी बिल्डअप कर दी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की और आपने क्या है कि उसको एनेकडोट की तरह लिख दिया ठीक है प्लस एनेकडोट क्या है कुछ फेमस इवेंट्स होते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी क्या है कि एनेक्डोट लिखे जाते हैं बट शुरू शुरू में वैन यू आर राइटिंग गया और फर्स्ट ऐसे एनेकडोट वाले जो इंट्रोडक्शन्स होते हैं दे आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस ठीक है सबसे डिफिकल्ट होते हैं तो इसको अभी हमें स्टार्टिंग में नहीं लिखना है बिकॉज इसमें डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर जो आपका थाट होता है स्टोरी राइटिंग का बहुत शॉर्ट में वो नहीं होता इतना अच्छा इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है शुरू में इसको क्या करना चाहिए इसको हमें अवॉइड करना चाहिए ठीक है थीके? तो हम क्या है शुरू में कोड्स एंडाइसिस रिपोर्ट्स फैक्ट्स डेटा इससे हम क्या है कि हम हमारा इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे अब इंट्रोडक्शन लिखने के इन सब यू चीजों को यूज करने के बाद हम ट्राई करेंगे एक बहुत ही ब्रीफ बैकग्राउंड बिल्ड करने का टॉपिक के ऊपर ठीक है और उसके बाद हम क्या है कि एक थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे और उस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर वी विल बी शोइंग द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इन विच द एस एज गोइंग ठीक है हम इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पॉइंट होता है लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है थीसिस स्टेटमेंट उसमें हम बताते हैं कि एस में क्या पूछ रहा है और एस को हमने सही से समझ लिया है और ऐस अब किस डायरेक्शन में जाएगा तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि ऑल क्लाइमेट चेंज इज हैविंग बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन काजेज बट इन रिसेंट टाइम्स ह्यूमन काजेज हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड देर इट कैन बिकम अ नेक्स्ट पेंडेमिक इफ प्रॉपर स्टेप्स हैव बीन नॉट टेकन ठीक है तो आप ऐसे थीरे स्टेटमेंट करके आप अपने आप को जस्टिफाई करके इंट्रोडक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो सो इंट्रोडक्शन के लिए अगर ग्यारह बारह पेज मिलते हैं हमें क्या एस ए के लिए तो यू कैन रफली यूज़ अराउंड वन पेज ठीक है एंड यू कैन रफली राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ अराउंड अराउंड वन वर्ड्स ठीक है वन फिफ्टी वर्ड्स का आप सिर्फ क्या है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो अब हम बात करते हैं हमारे ब्लू की अब ब्लू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है अब ब्लू क्या होता है जैसे एलेवन से ट्वेल्व पेजेस मिल रहे हैं हमें हर ऐसे के लिए ठीक है तो ऐसे के लास्ट में वी कैन टेक वन और टू पेजेस एज रफ ठीक है हम रफ पेज ले लेंगे या आप जब घर पर ऐसे रखे हो तब भी यू कैन मेक अ ब्लू प्रिंट इन वन और टू पेजेस जो कि रफली आप करोगे सब कुछ तो उन वन और टू पेजेस में हम जो भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है जो भी टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है उस पर हम क्या करेंगे एक ब्लू बनाने की कोशिश करेंगे अब ब्लू कैसे बनाना है उसके कुछ स्टेप्स हैं ठीक है तो ये जो सिक्स टू सेवन स्टेप्स हैं इनको आपको हमेशा याद रखना है विच विल बी सींग इन द नेक्स्ट स्लाइड्स अब पहला स्टेप क्या है सेलेक्टिंग अ टॉपिक टाइटल ए टॉपिक तो इसके लिए हम एक सेकेंड वीडियो बनाएंगे अगर आपको लगता है कि आपको इसमें नीड है कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए फिलोसफिकल एसेज ढूंढने चाहिए सोशल एसेज ढूंढने चाहिए पॉलिटिकल ढूंढने चाहिए टेक्नोलॉजिकल ढूंढने चाहिए इकोनॉमिक ढूंढने चाहिए, चाहिए कौन से टॉपिक्स को हमें सेलेक्ट करना चाहिए ऐसे लिखने के लिए तो इस पर वी विल मेकिंग पार्ट टू ऑफ़ एस राइटिंग ठीक है बट अगर आपने अभी हम इसमें देखते हैं कि अगर आप आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद उसको कैसे ब्लू बनाना है तो पहला है कि आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है टॉपिक सेलेक्ट करके आप क्या है कि अपने रफ पेज पे उस टॉपिक को लिख लो लास्ट पे इस तरीके से आप टॉपिक को हेडलाइन में लिख लो अब टॉपिक को लिखने के बाद आप अपने आइडियाज़ जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं रैंडम आ रहे हैं ऑर्गनाइज्ड वे में आ रहे हैं कैसे भी तरीके से आ रहे हैं उन सारे आइडियाज़ थाट्स की और जो माइक्रो थीम्स आपको आ रही हैं उनको आप लिखना स्टार्ट करो ठीक है बिकॉज़ जो भी आप यहाँ लिखोगे अब लेटर दे विल बिकम योर पैराग्राफ ऐसे के आपके पैराग्राफ बन जाएंगे अगर हम मान लें क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आपको आ रहे हैं तो हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट ठीक है एक पैराग्राफ हम लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ठीक है, ऑन बायोडाइवर्सिटी ठीक है हम यहां पर एक पैराग्राफ बना सकते हैं मैकेजम टू कोप अप क्लाइमेट चेंज ठीक है सो ऐसे बहुत सारे हम क्या है कि छोटे 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 छोटे, छोटे, छोटे पैराग्राफ्स बना सकते हैं ठीक है और उन पैराग्राफ्स के अंदर क्या है कि हम बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं अब मान लेते हैं कि हम इसमें से कोई भी एक पैराग्राफ ले लेते हैं जैसे अगर मैं देखूं तो हम ये वाला पैराग्राफ को उठा के इसको डिस्कस करते हैं जो कि हमारा स्टेप थ्री होगा अब स्टेप थ्री क्या होगा कि प्रोवाइड सम फ्लैश टू योर पैराग्राफ्स प्रोवाइड सम फ्लैश टू योर पैराग्राफ्स का मतलब क्या है कि जो भी हमने पैराग्राफ्स लिखे हैं ठीक है जैसे मान लें हमने फर्स्ट पैराग्राफ लिखा था कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन क्लाइमेट ठीक है हमारा ये पैराग्राफ था ठीक है तो इसमें हम क्या है कि अब फर्दर से थर्ड लेयर पे हम इसमें फर्दर कंटेंट लिखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे हम यहाँ पे इसमें क्या है कि चेंजेस को डिस्कस करेंगे चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर ठीक है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्या है कि लैंड यूज़ पैटर्न को डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से लैंड यूज पैटर्न को चेंज करके ठीक है ह्यूमस हैव इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफियर ठीक है तो अब क्या है कि पर्टिकुलर जो पैराग्राफ्स ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स आपने लिए हैं इनको अब आप क्या है कि और कीवर्ड्स इसके अंदर लिखोगे इनके अंदर और फर्दर कीवर्ड्स लिखोगे ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है लेयरिंग करना ठीक है टॉपिक की लेयरिंग करना टॉपिक की लेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई टेंपोरल आस्पेक्ट देना है ठीक है तो उसके अलग अलग पैराग्राफ्स मत करो आप एक ही बिगर पैराग्राफ के अंदर ठीक है उसके अंदर टेम्पोरल आस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लो तो टेंपोरल आस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं जैसे आपने हिस्टोरिकल आस्पेक्ट लिए तो यहां पर एंशंट ठीक है मिडिवल ठीक है मॉडर्न ठीक है पोस्ट मॉडर्न आप क्या करो कि ट्राई करो कि वो एक साथ ही क्या है कि आप कंबाइन करके लिखो ऐसा नहीं कि पहला पैराग्राफ तो हमने क्या है कि एंशंट का लिख दिया उसके बाद कोई इकनॉमिक पैराग्राफ लिख दिया इकनॉमी से रिलेटेड और फिर उसके बाद क्या है कि हम वापस क्या है कि मॉडर्न टाइम पीरियड पर आ गए ऐसे नहीं होना चाहिए द फ्लो शुड बी लाइक दिस एंड नॉट शुड बी लाइक दिस स्पेशल की बात करें तो हम क्या है कि स्पेशल पे सारे स्पेशल पैराग्राफ्स को स्पेशल पॉइंट्स को हम क्या है कि एक साथ डिस्कस कर सकते हैं तो स्पेशल लेवल पे हम लोकल लेवल हो गया फिर नेशनल लेवल हो गया ठीक है फिर इंटरनेशनल लेवल हो गया या ग्लोबल लेवल हो गया तो हम क्या है कि उनको एक ही जगह एक ही साथ लिखने की ट्राई करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एस लेयरिंग ताकि हम क्या है कि पहले हमने कोई स्पेशल एस्पेक्ट दे दिया और उसके बाद हमने कोई सोशल एस्पेक्ट दे दिया तो वो क्या है कि चीज़ें विल नॉट गो इन सिंक अब फ्यूजन की बात करते हैं ठीक है अब बहुत बार आपको लगेगा कि आपने पैराग्राफ जो भी लिया था वन जो भी लिया था टू अब आप आपको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या है फ्यूजन हो रहा है इनको मिक्स किया जा सकता है तो आप क्या कर सकते हो पैराग्राफ वन और टू को क्या है कि मिक्स करके एक ही पैराग्राफ बना सकते हो ठीक है तो आप फ्यूज़ कर दो क्योंकि आप तो अभी ब्लू बना रहे हो अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ टू में जो कंटेंट लिखा और वन में जो कंटेंट लिखा वो बहुत ज़्यादा सेम है तो आप कहे एक ही पैराग्राफ बना दो सिंगल ठीक है अब होता है प्राइटाइज करने का जो सिक्स पॉइंट है दैट इज़ प्राइटाइज़ अब प्राइटाइज करने के अंदर आपने ये पैराग्राफ लिखा ये पैराग्राफ लिखा ये पैराग्राफ के की वर्ड लिखे ये पैराग्राफ लिखा ये पैराग्राफ लिखा ये पैराग्राफ लिखा ये पैराग्राफ लिखा, लिखा और ये पैराग्राफ लिखा अब प्राइटाइज़ करते हैं इसकी ऑर्डरिंग देते हैं इसको हम जैसे प्राइटाइज़ करेंगे फिर उसी फैशन में हम इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पैराग्राफ्स को स्टार्ट कर देंगे तो लेट सपोज आपने पी वन इसको दे दिया आपने पी टू इसको दे दिया आपने पी थ्री इसको दे दिया आपने पी फोर इसको दे दिया आपने पी फाइव इसको दे दिया आपने पी सिक्स इसको दे दिया आपने पी सेवन इसको दे दिया आपने पी एट इसको दे दिया तो नाउ यू हैव पी वन से लेकर पी एट तक पैराग्राफ्स ठीक है उनके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं सब कीवर्ड्स हैं आपने उनको लिख रखा है एंड नाउ यू विल स्टार्ट योर बॉडी पार्ट तो बॉडी के अंदर आपके पैराग्राफ वन से लेकर पैराग्राफ एट तक चीज़ें होंगी अब जब प्रायटाइज़ कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो एड सम पैराग्राफ्स ठीक है आप कुछ ऐड कर सकते हो पैराग्राफ आपको लगता है कि यार ये वाला पॉइंट छूट गया तो आप क्या है कि पैराग्राफ नाइन भी ऐड कर सकते हो और आपको लगता है कि यार ये वाला पैराग्राफ क्या है ज़्यादा खास नहीं है इट इज़ नॉट हैविंग गुड प्रायरिटी या गुड वेटेज तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो डिलीट भी कर सकते हो इसको ठीक है बट अगेन आपको एक फाइनल नंबरिंग पे आना है और उस नंबरिंग से आपको अपनी बॉडी स्टार्ट करनी है इन अ लॉजिकल फॉर्मेट ठीक है ये क्लियर हो गया तो मैंने एक पैराग्राफ को डिस्कस करके हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया अब बात करते हैं फाइनल आउटले की अब क्या है कि मेरा जो फाइनल आउटले जो मुझे उस पेपर पे दिख रहा होगा सब ब्रेन करके ब्लू प्रिंट बना के फ्रेम वर्किंग करके वो आउटले कैसा दिखेगा कि मेरे पास एक इंट्रोडक्शन होगा ठीक है इंट्रोडक्शन के अंदर कोड्स के थ्रू रिपोर्ट्स के थ्रू एंडाइसिस के थ्रू एनेक्डोड के थ्रू मैंने रफली एक पेज का या हल्का सा उससे ज़्यादा एक पेज से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन मुझे उसका आइडिया गया कि मुझे क्या लिखना है और उसका मुझे वर्ड लिमिट पता है कि वन वर्ड्स तक मैं लिख सकता हूँ उसको तो मेरा इंट्रोडक्शन का मैंने थीम माइंड में सोच ली है उस इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा थीसे स्टेटमेंट भी होगा ठीक है यहाँ तक चीज़ कंप्लीट हो गई अब थीसे स्टेटमेंट से जस्ट बाद मेरी बॉडी क्या है कि इंटरलिंक होगी ठीक है तो ये जो भी मैंने सिम्बल्स बनाए हैं ये वाला ये वाला और ये वाले जो बीच बीच में बनाए हैं और ये जो बनाए हैं दीज ऑल आर योर इंटरलिंकेजेस ठीक है जिसको हम क्या लिंकर्स भी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कनेक्टर्स भी बोलते हैं ठीक है तो हमें हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसको कनेक्ट करना है प्रॉपरली लॉजिकली कनेक्ट करना है किससे बॉडी के पार्ट से फिर बॉडी में जो हमने एट पैराग्राफ्स फाइनलाइज़ किए थे उनको क्या है कि उनको सबको भी क्या है कि लिंक करना है एक दूसरे से जैसे पी वन को पी टू से पी टू को पी थ्री से ऐसे करते 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 हमें एट पैराग्राफ तक आना है और फाइनली जो हमारा कंक्लूजन होगा उस कंक्लूजन के अंदर वी विल बी इंटरलिंकिंग इट विद द फर्स्ट मेन थाट ऑफ आवर एस उसको भी इंटरलिंक करने का हमें ध्यान रखना है तो इंटरलिंकिंग के अंदर कैसे हो सकता है कि सिमिलरली ठीक है सिमिलर पैराग्राफ सेकेंड आपने कंप्लीट किया तो थर्ड से आपने क्या किया थर्ड से स्टार्ट करने से पहले आपने लिख लिया सिमिलरली ठीक है देयरफॉर फोर ठीक है पर उसके बाद मोर ओवर ठीक है तो फर्स्टली सेकेंडली तो बहुत सारे लिंकर्स होते हैं विच इज गिविंग यू अ फ्लो तो ये जो सब चीजें हैं ये क्या इंश्योर करेंगे दिस विल इंश्योर दैट कोहोरेंट एंड इफेक्टिव फ्लो ठीक है ये चीज क्लियर हो गई है अब बात करते हैं जो बेसिक टूल्स हैं ठीक है बॉडी के अंदर आपको कैसे देखना है तो बेसिक टूल्स हैं वो बहुत बेसिक हैं कि बेसिक थ्री एलिमेंट्स के थ्रू हम बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं या बॉडी के कंटेंट के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं शो, शो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ठीक है जो आपके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है ठीक है तो उन बेसिक कंपोनेंट्स को क्या है कि हम लेते हुए हमारा बॉडी को डिज़ाइन या बॉडी के जो पैराग्राफ्स हैं उनको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं अदर डायमेंशनस भी ले सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो गया लीगल हो गया टेक्नोलॉजिकल हो गया टेक्निकल हो गया तो एक पैाग्राफ कॉन्स्टिट्यूशन आस्पेक्ट बना दिया एक सोशल आस्पेक्ट बना दिया एक इकोनॉमिक पर बना दिया एक लीगल बना दिया एक टेक्नोलॉजिकल बना दिया पर जब जब वहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है उसकी देन यू कैन यूज़ योर पर्सनल एक्सपीरियंसिस एनेक्डोड्स ठीक है यू कैन यूज़ एग्जाम्पल्स ठीक है यू कैन यूज़ केस स्टडीज़ ठीक है तो आप सब चीज़ों को इसमें यूज़ कर सकते हो आप इसमें अंदर ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड ए स्पेशल एनालिसिस स्पेशल एनालिसिस के अंदर क्या है कि आप ये शॉर्ट फॉर्म है स्पेशल की और उसकी फुल फॉर्म है पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल लीगल एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस ठीक है तो आप क्या है कि ये सब जब भी पैराग्राफ्स बनाओगे ठीक है तो इन पैराग्राफ्स के अंदर यू कैन मेक ऑन दीज पर्टिकुलर डायमेंशनस ठीक है तो टॉपर्स क्या बोलते हैं कि एस एस शुड बी मल्टी डायमेंशनल तो आप इससे अपने ऐसे को मल्टी डायमेंशनल बना दोगे बट आपको एट द सेम टाइम ये याद रखना है कि योर ऐसे ठीक है शुड नॉट ड्रिफ्ट शुड नॉट ड्रिफ्ट फ्रॉम द एसे टॉपिक फोकस ठीक है ऐसे के टॉपिक से फोकस नहीं हटना चाहिए ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए फिर आप अगर आपको रिमेंबर करना है तो देर आर सम रिमेंबर द ब्राउनी पॉइंट्स ब्राउनी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कोट्स लिखना सेइंगस लिखना पर्सनैलिटीज़ की फिगर्स नंबर्स देखना बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर गोइंग इं टू गवर्नेस ठीक है एंड गवर्नेंस इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद डेटा ठीक है तो आपको क्या डेटा हो गया स्टेटिस्टिक्स हो गया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गए उसको आपको क्या कोट करना है ठीक है आप यू कैन कोट गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज तो जो भी आपका पैराग्राफ है ठीक है पैराग्राफ जो भी आप लिख रहे हो तो उसको लॉजिकल शो करने के लिए उसमें लॉजिक आस्पेक्ट शो करने के लिए उसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट शो करने के लिए कि हमने ऐसा लिखा है कि देर इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है कि देर इज़ फैमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है तो हम क्या है कि उसको सब्सटैशिएट कर रहे हैं किससे डेटा से कि इतना माइग्रेशन हो रहा है किसका इतना माइग्रेशन हो रहा है मेल वर्क फोर्स का ठीक है मेल वर्क फोर्स का इतना माइग्रेशन हो रहा है कहाँ पर टू अर्बन एरियाज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई कोलकाता देन चेन्नई तो वहाँ पर इसलिए क्या है कि जो लेफ्ट ओवर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की ईस्टर्न यूपी की वहाँ पर क्या है कि देर इज़ फेमनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर तो एक पैराग्राफ के अंदर आपको पूरा कॉज कॉज क्या है कि ड्यू टू माइग्रेशन आउट माइग्रेशन ऑफ मेल वर्क उसका इफेक्ट क्या हो रहा है देर इज फेमनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ठीक है ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर अदर पॉइंट्स इन माइंड एंड दीज जनरल पॉइंट्स आर ट्रू फॉर योर जी एस आंसर राइटिंग ठीक है एंड फॉर योर एस ए आंसर राइटिंग ठीक है वो क्या है कि आपको फालतू की नेम कॉलिंग करनी नहीं करनी है यू डोंट नीड टू गेट पर्सनल इन योर एस एस सबसे बेस्ट है अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज़ टेक द बुद्धाज मिडल पाथ ठीक है डोंट जस्ट प्रजेंट प्रॉब्लम्स ऑल्सो गिव रिफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस ठीक है तो आपका जो भी कंक्लूजन होगा उसमें वो कैसा बेस्ड होगा सॉल्यूशन बेस्ड होगा रिफॉर्म बेस्ड होगा वो एक्शन ओरिएटेड होगा ठीक है अब जो कंक्लूजन की बात है कंक्लूजन को हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा एस सेकेंड उसको अंदर अच्छे से डेल्ट करेंगे कंक्लूजन भी क्या है हमारा एक पेज का होता है ठीक है उसके अंदर भी क्या है कि रफली हम 100 टू 150 फिफ्टी वर्ड्स लिख सकते हैं वो एक्शन ओरिएंटेड होगा वो हमारा क्या है कि सोल्यूशन बेस्ड होगा रिफॉर्म बेस्ड होगा और एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक क्या होगा वे फॉरवर्ड होगा जिसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जिसमें क्या है कि हम बोथ इंट्रोडक्शन और ऐसे को लिख के देखेंगे कि किस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम इंट्रोडक्शन को पूरा पूरा लिखने की कोशिश करेंगे ठीक है देन आपको क्या है कि बैलेंस पिक्चर शो करनी है यू डोंट नीड टू गिव सोल्यू सोल्यूशन विच आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ठीक है आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल सोल्यूशन हैं वही देने हैं ऐसा कोई सोल्यूशन देना है जो कि क्या कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड दट यूर आ फ्यूचर ऑफिसर एंड नॉट अ जर्नलिस्ट एंड देवर यू नीड डोंट टी टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स सो थैंक यू सो मच सो दिस वॉज पार्ट वन ऑफ एंसर राइटिंग ऑफ एस से राइटिंग कि कैसे बिगनर अप्रोच कर सकते हैं अपने ऐसए को कैसे वो बॉडी को इंट्रोडक्शन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं एज़ पर द वर्ड लिमिट जो कि एस में दी जाती है एंड एज़ पर द टाइम लिमिट जो कि एस के पेपर में हमें मिलती है ठीक है नेक्स्ट पार्ट जो होगा अगर आप कमेंट में बोलोगे सो वी कैन मेक ऑन